आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। मेरे पास कुछ समय से कमेंट आ रहे थे कि एडेनियम प्लांट का कॉडेक्स पीला पड़ रहा है, ऐसा क्यों होता है? ज़्यादा गर्मी से प्लांट का कॉडेक्स पीला होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अगर समय पर नहीं किया तो प्लांट खराब हो सकता है। जब प्लांट तेज धूप में रखा रहता है तो इसकी स्किन पीली पड़ जाती है, यानी कि स्किन तेज धूप से जल जाती है। अगर प्लांट को ऐसे ही तेज धूप में रखा रहने देंगे तो धीरे धीरे पूरा प्लांट पीला पड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। पीला पड़ने से प्लांट अंदर ही अंदर धीरे धीरे सूखने लगता है और कुछ ही समय में पूरी तरह ख़राब हो जाता है। इसलिए प्लांट को गर्मी से बचाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। प्लांट को पीला पड़ने से कई तरह से बचाया जा सकता है, उन तरीकों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपके प्लांट में भी ऐसा हो रहा है तो उनको पौधों को ग्रीन नेट में रखकर ऐसी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों के पास ग्रीन नेट की सुविधा नहीं होती है तो वे प्लांट को ऐसी जगह रख सकते हैं जहां सुबह शाम की धूप आती हो, दोपहर की धूप नहीं आती हो। और प्लांट को रोटेट करते रहने से भी प्लांट को पीला होने से बचाया जा सकता है। रोटेट करते रहने से प्लांट पर एक ही तरफ पार्ट पर धूप नहीं लगती है, इसलिए प्लांट सेफ रहता है और पीला भी नहीं पड़ता है। एडेनियम को बड़े पौधों के बीच में भी रखकर भी तेज धूप से बचाया जा सकता है। अगर इनमें से कोई तरीका आप नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे आसान तरीका यह है। ये जूट की बोरी है, इसको कॉडेक्स पर इस तरह लपेटकर किसी रस्सी से बांध देंगे जिससे हमारा प्लांट का कॉडेक्स धूप से बचा रहेगा और ब्रांच फुल सनलाइट में रहेगी जिससे उसमें ग्रोथ भी होती रहेगी। अगर आपके पास जूट की बोरी नहीं हो तो आप कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। जब भी प्लांट में वाटरिंग करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो जूट की बोरी हमने कॉडेक्स पर बांधी है उस पर पानी ना गिरे। पानी सिर्फ सॉइल में ही देना है। बरसात तक इसको बांध कर रखना ज़रूरी होता है। जैसे ही बरसात शुरू होगी इसको हटाना भी ज़रूरी होता है। जूट की बोरी को बांधने से कॉडेक्स पर धूप का असर कम होता है और प्लांट भी ठीक रहता है। इसे बांधने से प्लांट का जो पार्ट येलो हो गया है वह ठीक तो नहीं होगा, लेकिन आगे के लिए वह सेफ रहेगा। इनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर आप भी अपने एडेनियम प्लांट को सनबर्न की समस्या से बचा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।